हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केम चाइम। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसका लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड देखा हुआ है। सो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इनका बोर मॉडल का बैकग्राउंड नहीं देखा हुआ है, लाइक बिफोर स्टार्टिंग विद द बोर्स मॉडल, देन डू गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, आप ये प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसे जरूर देखिए और फिर ये बोर मॉडल के वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखा हुआ है दैट इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी आर गोइंग टू सी अबाउट फोर एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें बोर्स मॉडल जो है दैट इज द थर्ड वन। सो बोर्स मॉडल में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, टू इम्पॉर्टेंट थियोरीज, दैट इज डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन एंड सेकेंड इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। So Bohr's model actually it is the continuation or it started with the limitation of Rutherford's model. Rutherford ne humko already bataya hua hai ki that we have a positive charge particles present at a very small region inside the atom jisko hum kehte hain nucleus, aur nucleus ke aas pass sare electron present hote hain jo continuously revolve karte rehte hain. So Bohr ne that he applied that same concept. Let's say we have an atom और इसके center में we have the positive charge का nucleus हमारे यहाँ पर। Rutherford model was not able to explain the stability. So what Bohr said was that whenever there are positive and negative charges are present, so here the centrifugal force is actually balancing the electrostatic force. So this was the main reason he said, Bohr said, and he actually explained what was the reason behind the stability of atom. So he said that the centrifugal force is experienced by the electron which is continuously revolving in a circular manner. So that will be outward force acting on the electron. At the same time, जो center में positive charge और electron का जो negative charge है, ये दोनों के बीच में भी एक force of attraction होगा, and that is actually electrostatic force of attraction because एक positive और negative charge particle के बीच में ये present है. And whenever this electron is moving around the nucleus, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इसी की वजह से एटम का साइज जो है वो चेंज नहीं होता है, एंड दिस इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देन ही फर्दर एक्सप्लेन्ड सम पोस्टुलेट, ही फर्दर गेव बोर फर्दर गेव सर्टन पोस्टुलेट। सो फर्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। बोर सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ, और ये फिक्स पाथ को उन्होंने कहा था ऑर्बिट। So let's say हम यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, ठीक है। देन ही सेड दैट एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट is fixed and electron can jump from one orbit to another orbit depending upon loss or gain of energy, ठीक है। So this was the concept which was given by Bohr that एक electron जो होता है वो nucleus के आसपास हमेशा revolve करते रहता है और ये जो revolve करेगा that path is called as orbit and there can be infinite orbit present in every atom. Now जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका हमेशा एक फिक्स एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रॉन को जब भी एक हायर या लोअर ऑर्बिट में मूव करना होगा तो या तो उसको एनर्जी गेन करनी होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से हायर ऑर्बिट में मूव करना है तो एनर्जी गेन करनी होगी, और लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है लाइक इट हैज टू जंप टू द लोअर ऑर्बिट, सो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक्चुअली स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। अब सेकेंड पॉइंट में हम एक और लाइन एक और सेंटेंस एड कर सकते हैं कि जब भी हमारे एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है, और उसका रीजन है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट लूजिंग इट्स एनर्जी। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग इट्स ट्रांजिशन, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा सो इट विल लूज इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी में शिफ्ट करेगा लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल में जंप करेगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो हियर वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग टू हायर ऑर्बिट और व्हेन इट इज मूविंग टू द लोअर ऑर्बिट दिस इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू
चेंज इन एनर्जी ऑफ दोस ऑर्बिट, मतलब लेट्स से अगर N1 से लेकर N5 तक जा रहा है तो हमको चेंज इन एनर्जी निकालना होगा ऑर्बिट के, एंड डिवाइडेड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इफ यू सी दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट E इज इक्वल टू h mu, एंड फर्दर वी कैन सी इट एज इट इज E फाइनल माइनस E इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी विच इज आइदर एब्जॉर्ब और एमिटेड। फिर इसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट दैट द इलेक्ट्रॉन सिंस इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस इट विल हैव अ एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज गिवन बाय एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π वेर द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू 1, 2, 3 एंड इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट पॉइंट में दैट इलेक्ट्रॉन्स के पास दैट एक एटम के अंदर वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो डेफिनेटली ऑर्बिट का जो नंबर होगा इट विल ऑलवेज बी होल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, सो अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एनर्जी ऑफ एनी इन जनरल ऑर्बिट, लाइक लेट्स से हमारा कोई भी एक ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी अगर हमको निकालना होगा सो उसके लिए फॉर्मूला ये है दैट एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 13.6 ईवी। सो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ई एन इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 ईवी, अगर हम कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं तो। अगेन जेड विल बिकम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, जो भी हमारा एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर जेड हो जाएगा। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सपोज हमको अगर पांचवें ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है सो हम एन की जगह पे वैल्यू 5 पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 13.6 विच इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एनी एटम का अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हमको एनर्जी निकालना होगा दैट इज 13.6, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली कैन बी रिटन इन जूल्स ऑल्सो, सो दैट विल बिकम माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमारा कॉमन होगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2.18 इंटू 10⁻¹⁸। सो दिस विल बी वैल्यू इन जूल्स। तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आइदर ईवी और वी कैन टेक इन टू दिस जूल वैल्यू। देन द सिक्स्थ पॉइंट वी कैन टेक हियर इज दैट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन साइड द एटम आर एन इट इज एक्चुअली गिवन बाय इट इज एक्चुअली गिवन बाय 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड दिस वैल्यू विल बी इन आर्मस्ट्रॉन्ग दैट इज 10⁻¹। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडियस अगर किसी भी एटम का अगर हमको एक ऑर्बिट का रेडियस निकालना है सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला नंबर 6। सो इन दिस मैनर वी कैन सी आफ्टर बोर्स मॉडल वी कैन नाउ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एनर्जी, जो भी हमारा एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन साइड द एटम। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर वैल्यूज वी कैन ऑल्सो गेट एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, वी एन कैन बी गिवन एज एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो दिस कैन बिकम अवर, अगेन यहाँ पर जो एन होगा दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो वैल्यू हो जाएगा एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। सो इन दिस मैनर वी कैन गेट वेरियस वैल्यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड फॉर द ऑर्बिट इन साइड द एटम ऑल्सो। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द बोर्स मॉडल। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्स मॉडल हम इसी से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो लेट सी दैट एंड आफ्टर दैट वी विल सी द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। हियर वी कैन से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। सो हियर वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंज इन एनर्जी ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज इनिशियल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए वी कैन गेट द वेव नंबर फॉर्मूला दैट इज न्यू बार विच इज नथिंग बट एक्चुअली
it is 1 upon lambda, and this is given by RH upon Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So in this manner, after like this formula, which is already we had seen in case of a atomic spectrum, and this can be proved if you solve this equation. ये जो equation है, इसको अगर हम solve करते हैं, that is E final minus E initial, by taking the concept that E is equal to minus of RH upon N F square. Similarly, we can take, let's say, यहाँ पर F लिखा हुआ है हमने. Similarly, we can take EI. In fact, हमको यहाँ पर number ले लेना चाहिए, E2 and E1. So, that will be much easier to write. So, E, energy of initial state, EI can be written as minus of RI upon NI square. और फिर उसको जैसे हम solve करेंगे, ये equation में डाल करके, we can easily get this formula proved. Where again, RH is nothing but Rydberg constant, where यहाँ पर हम लिख सकते हैं, where यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर आर एच इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट हिज वैल्यू इज 109677. ठीक है. सो इन दिस मैनर वी कैन सी और वी कैन एक्चुअली प्रूव ये डेरिवेशन जो है एक छोटा सा डेरिवेशन है अराउंड 4 to 5 लाइंस का. आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिल जाएगा इजीली तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल ऑल्सो वी कैन प्रूव दिस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. नाउ लेट्स सी द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. So now let's see the first limitation of Bohr's model is it fails to explain the doublet formation. It fails to explain the doublet occurrence inside hydrogen atom. So according to Bohr's model, this was not able to get proof. कि ये actually अगर हम देखेंगे, so let's say if this is nucleus, so यहाँ से हम जो सबसे पहला orbit होगा, that will be at actually the maximum distance. फिर जो उसके बाद second orbit होगा, वो पहले orbit और nucleus के distance से थोड़ा सा कम होगा. So let's say हम यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं. Third orbit और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा. Then fourth orbit जो है वो और भी कम हो जाएगा. And in this manner, a time will come, let's say when the difference between the two orbit will become almost negligible. Means ऐसे हमको लगेंगे that the two orbit do not have any gap and this is called as the doublet occurrence. That means when we are not able to separate the two orbit which are very closely present. So ये part जो था this was not able to explain by Bohr's model. That is doublet occurrence of occurrence inside hydrogen atom. The second point is he was not able to explain the splitting of यहाँ पर हम लिख सकते हैं splitting of spectral lines in presence of magnetic field which is called as Zeeman's effect and in presence of electric field and yahan par hum likh sakte hain electric field which is called as Stark effect. Effect. So this was the second limitation of Bohr's model, and the third limitation is that it do not explain ability to form molecule with the help of chemical bonds. So do not explain molecule formation with help of chemical bond. So these were the major limitation of the Bohr's model and also actually the Bohr's model ek aur hum likh sakte hain yahan par that it is only limited to hydrogen atom and hydrogen like atoms. इन द सेंस ऐसा कोई भी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस, फॉर एग्जाम्पल लिथियम प्लस टू, देन वी कैन हैव लाइक एनी एटम बेरिलियम प्लस थ्री एंड सो ऑन एक्सेट्रा. सो ऐसा कोई भी एटम जिसके
पूरे एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन ओनली वी कैन अप्लाई द बोहर्स मॉडल. सो दीज आर द फोर मेजर ड्रॉबैक्स फॉर विच द बोहर्स मॉडल वॉज नॉट एक्सेप्टेड. सो इस वीडियो में हम देखने वाले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर फोर्थ मॉडल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. एंड इस मॉडल की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके पहले दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वर डन. एंड दीज आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो योर वी कैन से फर्स्ट दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो डी ब्रॉगली व्हाट ही सेड वाज कि जस्ट लाइक रेडिएशन, जैसे रेडिएशन होते हैं उनके पास डुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है. एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेव नेचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल नेचर. इन दैट सेम मैनर मैटर शुड ऑल्सो हैव द डुअल नेचर, और जो कि उन्होंने प्रूव किया. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, जो कि एक्चुअली एक एटम से बने होते हैं, बहुत सारे एटम से बने होते हैं, और वो एटम इंटर्न जो है इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं. मींस इन शॉर्ट डी ब्रॉगली वाज सेइंग कि व्हेन वी से दैट द रेडिएशंस हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक. एंड फॉर दैट ही सेड दैट व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर देयर इज अ पार्टिकल इन मोशन, इट विल हैव द डुअल कैरेक्टरिस्टिक. और उसका वेवलेंथ जो है, इन्होंने रिलेशन दिया दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी व्हिच इज लीनियर मोमेंटम, और इट इज आल्सो रिटन एज एच अपॉन एम इनटू वी. So this is the formula which was given by de Broglie in order to explain the radiation or the waves which is coming from the matter, or you can say which is coming from the electron. Okay? So this was the concept which was given by de Broglie, one of the very important concept which will lead to our next model, that is quantum mechanical model. And de Broglie said that every object in motion will have the wave nature, and let's say the wavelength associated with the electron or any other subatomic particle can be calculated experimentally. So this was the concept which was given by de Broglie. Now let's see the second one, which is nothing but Heisenberg uncertainty principle. So what he said was ki whenever a Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg was the one who observed that let's say whenever there is a very fast moving object, कोई भी ऐसा बहुत ही फास्ट मूविंग सब्सटेंसेस होंगे, तो उनमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो देन ही गेव हिज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट सेड इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट और इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ हाईली मूविंग पार्टिकल. सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. So this is Heisenberg uncertainty principle, and mathematically it can be given as delta x, which is the difference, or let's say it is the uncertainty in the position, and delta p, which is uncertainty in the momentum. It should always be greater than equal to h upon 4 pi. Now we know that p can return as m into v. So here we can say, and mass of the electron is always going to be constant. So here we can see that delta x into, यहाँ पर हम लिख सकते हैं delta v multiplied by जो m है, उसको हम right hand side में ले लेते हैं, which is h upon 4 pi m. So these are our two important formulas for Heisenberg uncertainty principle. कि ऐसा कोई भी object होंगे जो continuously moving state में है with a very high velocity, so at that time it is impossible to calculate simultaneously the position as well as the momentum of that particular particle. Okay? So then he contradicted that according to Bohr's model that electrons are revolving continuously and they are determining an orbit. But Heisenberg said that it is not possible at all. जब हम orbit की बात करते हैं, that means what? We are saying that we know the position as well as we know the momentum or the velocity which with the electron is moving, और जिसकी वजह से हमको एक proper orbit का structure मिल पाता है. And instead, what Heisenberg said was that instead of having a precise statement about the position and the momentum of electron, we can replace the statement with probability. मतलब कि एक uncertainty or the probability thing can be replaced, not with the exact values. So Heisenberg uncertainty principle के हिसाब से, it is the precise statement of the position and momentum of an electron have to be replaced by probability. That means
कि प्रिसाइज वाला वैल्यू हमारा कभी नहीं मिल सकता जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सच अ हाई वेलोसिटी, हमेशा उस टाइम रॉन्ग वैल्यू मिलेगा एंड वी कैन गेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोमेंटम एंड द पोजिशन एंड दैट विल गिव यू प्रोजेक्शन अबाउट द ऑर्बिट एंड दिस इज एक्चुअली दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. सो विद दीज टू like important development which was done after Bohr's model and before quantum mechanical model, and after that we will see the quantum mechanical model. Yes, you heard it right. ये हमारा सब चौथा मॉडल है ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेड टिल नाउ विथ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कसिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड दिस वॉज लाइक इनिशियल फाउंडेशन वॉज गिवन बाय स्क्रोडिंगर, वो हम अभी आगे देखते हैं. Now, classical before starting with quantum mechanical model which is based on quantum mechanics, पहले हम देख लेते हैं classical mechanics which was given by Newton, which was based on Newton's law of motion. And actually अगर हम देखें classical mechanical model was applicable for macroscopic object, for example ऐसे कोई भी object जो उनको directly visible होते हैं. But यही अगर हम classical model microscopic object में लगाएंगे जैसे कि electrons हो गए, atoms हो गए, molecules हो गए, तो classical mechanical model will fail. And the real reason is classical mechanics never considered dual characteristic of matter and because of that it is not applicable to atomic or microscopic substances. So that is why we have a separate branch of science which is called as quantum mechanics which deals with dual behavior of matter. So here we will be discussing the quantum mechanics which is based on the idea of wave motion. The fundamental equation of the wave motion was given by Schrödinger, hence it is called as Schrödinger equation. And let's see our first equation, that is a Schrödinger's equation, and this is actually H psi is equal to E psi. So this is our Schrödinger equation where यहाँ पर हम लिख सकते हैं that where H is Hamiltonian constant, E is total energy. Let's write E is total energy and psi is wave function. This is the equation which laid the foundation for quantum mechanics which is given by Schrödinger. And the fun fact, Schrödinger ko ye equation ke liye, he got the Nobel Prize also. So let's see what are the terms in Schrödinger equation. First is H cap, jisko hum kehte Hamiltonian operator. Then E is total energy. Psi is actually a wave function, jo ki hum aage dekhenge. First of all, let's see, jab hum E ki baat karte hain, that is energy, it is actually total energy or sum of energy of kinetic energy, then energy due to repulsion, let's say repulsive energy, then energy due to force of attraction. ये ऐसे सारे चीजों का the energy which we'll get, that is called as total energy. And the third operator and the third part is wave function, which is actually dependent upon three values, which is n, l and m. So हमारे ये तीन वैल्यू पे हमारा वेव फंक्शन डिपेंडेंट है. ये तीनों जो वैल्यूज है n, l एंड m, दीज आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी कवर करने वाले हैं. सो अभी वेव फंक्शन जो है, इट इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट इज दैट द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पोजिशन पर डिपेंड करेगा जो एटम के अंदर प्रेजेंट है. एंड इन फैक्ट कि हमको अगर एटम के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, अगर वहां पर उसका प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट कैन बी गिवन बाय साई स्क्वायर. सो हियर वी कैन से मॉड ऑफ साई स्क्वायर विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. सो दैट इज व्हाई वेव फंक्शन इज इंपॉर्टेंट. इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहते, इंस्टेड वी ऑलवेज से इट इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. And if this quantum mechanical model is applied to hydrogen atom, so it gave a satisfactory, in fact successful proof for all the aspect of a hydrogen atom. So that is why quantum mechanical model was the one which proved or which gave successful explanation to all the terms or the aspect required for the hydrogen atom.
नाउ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम इन द सेंस कि ऐसे कोई भी एटम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. विद द हेल्प ऑफ सम मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड द कैलकुलेशन इट वाज सीन कि जो भी हमारे ऑर्बिटल प्रेजेंट है अदर देन हाइड्रोजन एटम इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. बट उसमें जो एक मेन डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज. बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे एंड इफ द प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग इट विल इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन टू द ऑर्बिटल्स और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस इट विल बी फॉर्म लिटिल बिट क्लोजर एंड बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्शन इन देयर अटोमिक ऑर्बिटल्स. ऑन द अदर हैंड ऑर्बिटल्स लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुज एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम नंबर एन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर ऑफ एन एज वेल एज एल. सो इस तरीके से वी कैन शो द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन विच कैन बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन सक्सेसफुली एंड टू हाइड्रोजन लाइक एटम सक्सेसफुली एंड टू द अदर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द कैलकुलेशन. So this was the Schrodinger equation. Now in the note point you can see some of the few points are mentioned for important features of quantum mechanical models of atom. Okay? So you can just go through it. It is written in very easy language. Aapko read karne se easily samajh mein aa jayega. Now let's move to our next topic which is orbitals and quantum numbers. So now let's see one of the basic and one of the important part of quantum mechanical model that is quantum numbers. So actually we can have like four different type of quantum numbers which are N, L, M and S. And all of this like jo bhi hamare consecutive next wale jo bhi quantum numbers honge it will depend upon its previous values. For example N ke pehle kuch nahi hai to wo independent hoga. बट जैसे ही एल आएगा इसका वैल्यू जो होगा वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो जैसे ही एम आएगा इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन एल और एस का वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन. सो इन दिस मैनर लाइक क्वांटम नंबर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वांटम नंबर. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर इज इट विल गिव यू एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इट विल गिव यू द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन साइड द एटम. सो दैट इज वाई वी यूज दिस क्वांटम नंबर. Now let's see the first quantum number which is nothing but principal quantum number. So we can write like principal quantum number and it is given by small n. And it states that or give represent ye karta hai that it represent the number of shell of the electron. Ki means electron agar koi bhi given electron hai to wo kaun se shell mein present hai inside the atom. Shell in the sense ki let's say agar koi bhi hum ek atom banate hain. So inside this atom there can be many circular path और इन path को हम कहते हैं shells. ठीक है. So principal quantum number will only give you the idea about the number of shell of the electron कि electron कौन से shell में present है and its value यहाँ पर हम लिख सकते हैं where the value of n is always equal to 1, 2, 3 and it will go on up to infinite because inside an atom we can have infinite number of shells और ये value जो होगा हमेशा एक positive integer values होंगे. So that is why it is starting from 1 and it will go up to infinite. So ये हो गया हमारा सबसे पहला information about the position of electron. Now second is it is azimuthal quantum number and it is given by small l. Now small l हमको ये बताता है कि अगर हमको एक बार जब shell पता चल जाएगा let's say हमारा electron second shell में present है तो second shell में भी कौन से orbit में present है that can be given by azimuthal quantum number. अभी हम देखते हैं क्या होता है. So पहले लिख लेते हैं like azimuthal quantum number gives information about orbit of an इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल एंड द वैल्यूज ऑफ एल इज ऑलवेज एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1. सो ये सारे रेंज ऑफ वैल्यूज होंगे बट ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन जो होगा इन सब में से सिर्फ एक ही वैल्यू में प्रेजेंट होगा. ठीक है. हम इसका वैल्यू देख लेते हैं कि लेट से जब भी हम एल की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन एल इज इक्वल टू 0 सो दिस रिप्रेजेंट एस ऑर्बिट. वेन एल इज इक्वल टू 1 सो दिस रिप्रेजेंट पी ऑर्बिट.
when L is equal to 2, it represents d orbit, and when L is equal to 3, it represents f orbit. And again, it can go further on and on, but हमको यहाँ पर फिलहाल first four के याद रखने. So L is equal to 0, 1, 2, 3, and it will be like s, p, d and f orbits will be given. Now, let's say हमने ये एक orbit है, ये सबसे पहले हमने एक shell identify किया. That is यहाँ पर हम लिख सकते हैं n is equal to 1, this one is n is equal to 2, and this is n is equal to 3. तो हमने सबसे पहले एक identify किया कि हमारा electron जो है वो third shell में. अब थर्ड शेल होने के बाद में वो कौन से ऑर्बिट में वो हम पता करेंगे. सो लेट्स से यहाँ पर थर्ड शेल में इट कैन हैव वैल्यू अप टू 0 टू n माइनस 1, मतलब वैल्यू जो पॉसिबल है दैट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 आल्सो. मतलब ये s में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, या d में भी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, सो ये सब प्रोबेबिलिटी है. विल टेक एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर, और उसके बाद में हमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. सो दिस इज एजिमिथल क्वांटम नंबर. Now let's see third quantum number, which is called as magnetic quantum number. So it is magnetic quantum number, which is given by small m. And this value actually gives you information. M ka value humko ye batayega, gives information about orbitals inside the atom. अगर एक एटम है, सबसे पहले हमने निकाला कि कोई भी एक एटम होगा उसमें कौन सा शेल होगा. लेट्स गो बैक हियर. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने शेल की वैल्यू निकाली, जहां पर हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से वो थर्ड है. उसके बाद में हम देखेंगे ये शेल में जो पॉसिबल वैल्यूज है उनमें से कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दैट इज एस पी डी, या एस पी डी में से कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है. अब एस पी डी में, लाइक एस में तो सिर्फ सिंगल ये ब्लॉक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, बट पी में यू हैव 3 ऑर्बिटल, एंड इन डी वी हैव 5 ऑर्बिटल. इन सब में से लाइक वेदर इट इज प्रेजेंट इन टू एस पी और डी, ये वैल्यू हमको एल से मिलता है. अब एल के अंदर भी लाइक अगर लेट्स से पी या डी है, तो उस केस में मल्टीपल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, तो दैट कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो इसीलिए हम कहते हैं दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल. ठीक है, दैट मीन्स लेट्स से जैसे हमने एल के वैल्यूज लिखे थे, लाइक एल इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज एस ऑर्बिटल. So value of m here. So now let's see that what will be the value for different value of l. What will be the value of m for different values of l. So let's say agar l ka value humne 0 likha hai, jo ki s orbit tha. Then l ka value humne 1 likha tha, which was p. Then l is equal to 2, which was d. And l is equal to 3, which was f. So in sab ke liye hum dekh lete m ka value kya hoga. So when it is s, so it is minus 0 to 0, that is 0. So here we will have only one value, which is 0. Iska value jo hoga wo 0 hoga. So for first one, that is minus 0 to 0. So in this case, the value will be only 1, aur iska hoga value 0. Now let's see L ka value, jab hum 1 ye formula mein put karte hain. So it is minus 1, 2, plus 1. So it will give you 3 values, which is minus 1, 0 and plus 1. So let's say it is minus 1, 0 and plus 1. And that is why in P we have 3 different orbital. In case of D, we will have minus 2, 2 plus 2, that means total we will have 5 different orbitals. So, यहाँ पर हम लिख सकते हैं minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. And finally for F, we will have from minus 3 to plus 3. So, total we will have 7 values. Here it is 6 and then 1, 7. So, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. So, ये हमारे different different magnetic quantum number के values हैं. कि अगर हमको ऑर्बिट भी पता चल गया, सबसे पहले हम शेल पता करेंगे, फिर ऑर्बिट, एंड नाउ वी विल फाइंड द ऑर्बिटल. एंड फाइनली कि हमको पता है दैट एक ऑर्बिटल में, लाइक इनसाइड एन ऑर्बिटल वी कैन हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, तो अब इन दोनों में से भी कौन से पोजीशन पे वो प्रेजेंट है वो भी हमको फाइंड आउट करना है. एंड दैट कैन बी गिवन बाय द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, व्हिच इज द फोर्थ वन, व्हिच इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, व्हिच इज गिवन बाय स्मॉल s. So spin quantum number small s, so this gives you about the spin of the particular or angular rotation, it will give you about information about the spin of the electron, ki wo clockwise ghum raha hai ya anti-clockwise ghum raha hai. So yahan par hum likh sakte hain gives information about spin of electron in an orbital.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से है कि हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एक ऑर्बिटल के अंदर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली घूमेगा विच विल हैव अपर एरो एंड वन विल मूव नेगेटिवली विच विल हैव अ डाउनवर्ड एरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट एस इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस और माइनस एम, दैट इज फॉर एवरी ऑर्बिटल इट विल हैव प्लस एंड माइनस हाफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू प्लस 1/2 और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपर एरो एंड -1/2 और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड एरो। सो दीज आर द टू वैल्यूज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द पोजिशन एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन साइड द एटम। अब लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अब ये चारों वैल्यूज अगर हमको याद रखना है सो वी कैन रिमेम्बर दिस रूल दिस टर्म दैट इज एन एल रेज टू एम और एस, ठीक है। दैट मीन्स जो भी हमको यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा उस टाइम पे वी हैव टू रिलेट लाइक नंबर्स बाय एन, देन उसका जो भी ऑर्बिट होगा बाय एस, और जो उसका एक्सपोनेंट दिया होगा हमको कॉन्फ़िगरेशन का दैट वी हैव टू रिलेट विद मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल तो उससे ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से वी आर टेकिंग 3s2। सो ये हमारा सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने ले लिया जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके लिए पहले हम क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं। Now if we'll compare this term with this box, so here you can see in place of n we have 3, in place of s we have, in place of l we have s. So yahan par hum simply likh sakte hain that n is equal to 3, matlab hamara electron jo hai wo third shell mein present hai, then l is equal to s. That means agar iska hum value nikalenge s ke liye, the azimuthal quantum number is 0. And finally, this 2 exponent will give you value about m and s, magnetic as well as spin quantum number ka value humko yahan se milega. So, humko pata hai that l ke liye m ka value jo hota hai, wo -0 to +0 hoga. So, here in this case, because ye s hai, so definitely hum yahan par jo orbital hoga, wo 0 hoga, uska value jo hoga 0 hoga, because s mein sirif ek hi, yahan par hum dekh sakte hai, yeah, this one, that s mein humare paas sirif ek hi block hota hai, that is सिंगल ऑर्बिटल एंड उसका जो वैल्यू होता है दैट इज हियर यू कैन सी इट इज 0। सो अब हम वापस चलते हैं ये रहा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड फाइनली वी हैव एल, फाइनली वी हैव एस विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो अगर हमारा पहला इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में बन जाएगा लेट्स से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक हमको ये वैल्यू मिल चुका है। अब एक्सपोनेंट में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स वी हैव टू फिल 2 इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस ऑर्बिटल। तो एक हमने अपवर्ड ले लिया और दूसरा हमने ले लिया डाउनवर्ड। सो डेफिनेटली एस का वैल्यू जो होगा ये हम लास्ट वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा -1/2 बिकॉज पहले वाले के लिए इट इज ऑलवेज +1/2 एंड फॉर द सेकेंड वन इट इज -1/2। सो इन दिस मैनर लाइक फॉर द गिवन 3s2 वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज 3 देन 0 देन 0 एंड देन -1/2। So, इस तरीके से फॉर गिवन एनी कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी गिवन कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड आउट दी 4 क्वांटम नंबर्स। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं इन रिवर्स मैनर कि हम एक पहले 4 क्वांटम नंबर ले लेते हैं और उसके बाद में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखते हैं। सो लेट्स से इन दिस केस वी हैव एन इज इक्वल टू लेट्स से 4, एल इज इक्वल टू लेट्स से 2, एम एम +1 एंड s -1/2। ये हमारा 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। लाइक लास्ट इस इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में या कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है। सो हियर वी कैन राइट लाइक इन दिस फॉर्म, तो सबसे पहले n और l के वैल्यू को लिख लेते हैं। सो n मीन्स इट विल बी 4th शेल और ऑर्बिट अगर हम कंपेयर करें सो l का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 मीन्स s, 1 means P and 2 means it is D. So definitely it will be 4D. ठीक है, या यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। सो अब ये एक्चुअली अगर हमको M और S का वैल्यू सॉल्व करना है तो 4D जैसे ही हो गया, आप ये अपना ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो, वो ज्यादा अच्छे से हो जाता है। जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया 4D का। अब 4D में हमको वैल्यू अगर हम लिख दें सो इट इज -2, -1, 0 then +1 and then +2। ये हमारे पांचों वैल्यूज हो गए डी ऑर्बिटल के। अब इसमें लेट्स सी हमारा +1 मतलब ये रहा हमारा ये पोजीशन पे।
सो दिस पोजिशन इफ यू सी, ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर फाइनली ये हमारा ऑर्बिटल है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और फाइनली हमारे पास है -1/2 इन द सेंस द इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हमको पता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ही नहीं आता है, सबसे पहले हमको ये सारे ऑर्बिटल को फिल करना पड़ेगा सिंगल सिंगल, और फिर उसके बाद में अगर हमको यहाँ तक पहुँचना है तो दैट मीन्स वी हैव टू फिल इट टिल योर लाइक पेयरिंग हमको करना होगा टिल +1d ऑर्बिटल के लिए। सो इट विल बी लाइक 2 देन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 9। सो योर वी कैन से इट विल बिकम 4d9। सो दिस विल बिकम द कॉन्फिगरेशन फॉर n is equal to 4, l equal to 2, m equal to +1, s equal to -1/2, and this will give you 4d9 configuration. So in this manner, with the help of quantum mechanical model and quantum numbers, we can easily calculate the position of electron inside the atom. We are going to study about the quantum mechanical model, aur uska ek part hum dekhenge, that is filling of electron inside the orbital. Now filling of orbitals inside the atom, that is electrons se agar humko orbital ko fill karna, so that is actually following the Aufbau principle. In German, Aufbau means increasing or ascending order. To yahan par hum likh sakte, let's say increasing, or in the form of ascending order. So in increasing energy level, we have to fill the electron inside the orbitals. So here we are going to see like three important concepts jispe hamara pura Aufbau principle based hai. So first is relative stability of orbital, जो कि हम पहला देखेंगे, that is also called as n plus l rule. And second we will see Pauli's exclusion principle, and third we will see Hund's rule of maximum multiplicity, या simply हम उसको Hund's rule भी कह सकते हैं. So let's see the first one, that is n plus l rule. So हम ले लेते हैं पहले n plus l rule. So it states that ये n plus l आपने already previous video में देखा होगा, these are our quantum number for the electron inside the atom. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो आल्सो ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स सी हियर लाइक एन प्लस एल रूल. तो हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, अगर हमको एन प्लस एल का वैल्यू अगर हमको पता है तो हमको उसको एड अप करना है, एंड वी हैव टू अरेंज ऑल द एन प्लस एल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन कंटिन्यू. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्बिटल शुड बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स से वी हैव दिस सीक्वेंस, दैट इज पहले हमारे पास होगा 1s. अभी ये n प्लस l अगर हम इसका काउंट करेंगे, सो दिस वन विल गिव यू 1s, सो इट विल बी 1+0 विच विल गिव यू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से n प्लस l का वैल्यू, सो दिस हियर इट विल बी इक्वल टू 1. सो नाउ व्हेन वी हैव second one, that is 2s. So for 2s, the n plus l value will be 2+0, that is nothing but 2. So third, we have 2p. So 2p ke liye, we can have like n ka value 2 and then p is 1. So 2+1 is 3. Then we have 3s. So that is again 3s, agar hum likhenge, so 3s ka value, it will be 3+0, which is nothing but 3. And so on, it will keep on continuing. 3s के बाद में we will have it as 3p, then it should be like 3d, then 4s, 4p, 4d and so on, it should continue. But according to n plus l rule, if you see the value of let's say these two, if you compare, इन दोनों का हम compare करते हैं. So let's say that this one 4d, it is coming as 3+2 which is 5. But यहाँ पर जो हमारे पास 4s है, that is coming as 4+0, that is only 4. So definitely these two needs to swap up. So that is why, like if, when we are deciding the sequence, so in that case, we have to arrange all the values in there in ascending order of their values. Now let's say, agar hum ek aisa consider karein, jo ki ye wala hai, ki let's say what will happen if we have a time. So in that case, whichever orbital, whichever orbit is having the lower principal quantum number will come first. So that means among 2p and 3s, 2p will come first, aur 3s jo hai wo baad mein aayega. So agar hum isko according to n plus l rule likhenge, so this one will now become sequence. It will be 1s, then 2s, 2p, then it will be 3s, 3p, then it will be 4s, 3d, and then 4p will come, and so on. Then further it will continue according to n plus l rule. So this is our first rule for Aufbau principle, that is related to relative energy in increasing order. Okay? Now let's see the second rule, which is
Pauli's exclusion principle. So it states that the no two electron in an atom can have the same set of all four quantum numbers. That means कि हमारे पास कोई भी अगर दो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होंगे, यू कैन कंपेयर लाइक एनी इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे. सो फर्स्ट लेट्स राइट हियर दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव, अदरवाइज एक्चुअली दिस वैल्यू रिप्रेजेंट लाइक हमारा अगर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स आर सेम, दैट मीन्स व्हाट, लाइक ऑल फोर क्वांटम नंबर्स इन टू इलेक्ट्रॉन, फॉर टू इलेक्ट्रॉन इफ इट इज सेम, so that means what, both the electron are present at same position, and which is not possible, like electron are always present at different position inside the atom. So that was proved by Pauli's, and in turn it actually also says that inside an orbital you can have maximum two electron, that is one will be of plus half and that is clockwise rotation, and other will be of minus half, which is anti-clockwise rotation. So this was proved by Pauli's. Now let's see the third rule, which is Hund's rule. Let's see third concept in above principle, which is Hund's rule. So according to Hund's rule, let's say earlier the filling of electron, let's say we have P4. So for filling of P4, it was done in this manner, first two and then next two, which was the wrong method. Instead, Hund suggested that we should first fill all the electron singly, like one electron should be filled first. And then if remaining electrons are there, it should start pairing up. So in this manner, we can get like P4 configuration. So this is the correct manner. And he suggested this on the basis that all electrons are negative in nature. So when they are present apart from each other, so repulsion is minimum. And when the repulsion is minimum, stability is maximum. So in this manner, like all the electrons should be filled singly and then it should start pairing up. Let's write Hund's rule, that is all electron in an orbital should be filled singly and then pair up. जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट दी पेयरिंग. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू Hund's rule. So these three will tell you about the filling of electron inside the orbital of an atom. Now sometime it becomes difficult to remember the sequence of this orbital. So for that, what you can do is you can follow this pattern, which is you write it as SS, then you write it as PS, PS, then D, PS, then D, PS, and then finally FDPS and FDPS. So in this manner you can remember it. Ab isko agar humko yaad rakhna hai, so we can use this in this manner, like school, SS is school. Let's say yahan par hum keh dete hain S is school, P is public, D is for Delhi and F is for favorite. So now let's spell this in this manner. First it will come as school, then 2 will come as public school, then it will be Delhi Public School and then Delhi Public School, and finally favorite Delhi Public School and favorite Delhi Public School. So in this manner you can remember the sequence, and after that you have to just write the starting of this orbitals. Let's say like S will start from 1, or agar next time S aayega, so we have to increase this by plus 1. So let's say one S is there, then after that S is coming for the second time, so we'll increase it with the previous value, so it will become like 2. Now P is coming for the first time, so P always starts from 2. S starts from 1, P starts from 2, then D starts from 3 and F starts from 4. So let's see now, 2P, then S is coming for the third time, so it will be 3. Then here P is coming for the next, like already it had come. So yahan par ye 3p ho jayega, then it will be 4s. D is coming for the first time, let's put here asterisk. So asterisk will tell us that here the first time it had come. So here it will be 3. D will start from third shell, so it will be 3d. P mein already p aa chuka hai, so 4p. Then here it will be 5s. Then D mein again 4d. Then 5p and 6s will be there. Then F is coming for the first time, so it will be 4F. Then D had already come, 5D.
then 6p and then 7s, then we have 5f, then 6d, 7p and 8 is there, but till here we will finish our 118 elements. So in this manner you can remember the sequence by simply following this pattern, which is school, then public school, then Delhi public school, then favorite Delhi public school and favorite Delhi public school. Now let's see a related or a connected topic, which is electronic configuration or extra stability due to electronic configuration. Now let's see what do we mean by first of all extra stability. So stability is actually, jab bhi hum likhte hain, like stability is always, it is inversely proportional to energy. That means aisa koi bhi atom jiske paas energy kam hoga, to uske paas jo stability hoga, it will be more. And if any atom is having more energy, it will be less stable in nature. So your extra stability means what? एक कोई ऐसा एटम जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है दैट इट हैज अटेंड सम एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट, और वी कैन से इट हैज लॉस्ट सम एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज अटेंड सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड दैट इज सीन इन लाइक आई विल टेक टू एग्जांपल्स. सो हियर वी कैन सी इन केस ऑफ क्रोमियम एंड वी कैन सी विच इज 24 एटॉमिक नंबर एंड वी कैन सी फॉर कॉपर विच इज एटॉमिक नंबर 29. So let's see the first one, that is chromium. So chromium, अगर हम electronic configuration लिखते हैं, so it is 1s2, or let's write the condensed atomic electronic configuration, which is argon. So your 18 electron will come, and after that we have 4s2 and 3d4 should be there. So this configuration is actually our expected, but it was seen that chromium is showing a configuration of AR, then 4s1 and 3d5, and this was the observed one. Now why and how this is happening? So first of all, why this is happening? Because whenever we have a empty orbital, like d has 4 electron filled in its orbital, d ke paas agar hum iska configuration banaye in this manner, it will be present. So agar ab d kya karega ki 4s ke paas jo 2 electron hai unme se ek electron ko apni taraf shift karne ki koshish karega, means instead of 3d4 it will try to make it configuration like 3d5. ab usse hoga ye ki that 100% space of this orbital can be occupied by single electron, and because of that pehle to yahan par jo 4s hai wahan par repulsion thoda sa kam ho jayega, because one electron will transfer over here, and at the same time D के पास यहाँ पर half filled configuration हो जाएगा. So in this manner, like observed configuration of a 3D, it will be like 5 electron present in D orbital. So here we can write in this manner, like 5 electrons are present, and S will shift one of its electron. So this is the observed configuration, and because this one electron which has jumped from 4s to 3D, so it will make less repulsion inside the atom, so energy will be less and the stability will be more. Similarly, we can see in case of copper also, copper has a atomic number 29, so here we can say the expected configuration is argon, then 4s2 and 3d9 is there, which is again, if you will draw the orbital diagram, so yahan par hum dekh sakte hain 4s2 means it will have 2 here, then we have this one, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now again, if one of the electron can come in this last orbital, last d orbital from 4s, so it will get completely filled d orbital, or jiske wajah se repulsion will be again minimum, because clockwise and anti-clockwise will balance itself. So this one will become like expected, and again we can write the observed configuration in this manner, that observed will be argon, then it is 4s1 and 3d10. और इसका अगर हम 3d10 का orbital diagram बनाते हैं, so 1, 2, 3, 4, 5, so it will be like 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, and 10. और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा. So this one is our observed configuration for copper. So in this manner, like whenever an electron is transferred from neighboring orbital to the receiving orbital in order to get either half filled electronic configuration or exactly or completely filled electronic configuration, so in that case the atom will get extra
stability. So that was the last topic, or that was the last part of this video, guys. Thank you for watching till the end. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. If you're watching this on Facebook, then do like this video. Share with at least two of your friends so that they will also get benefited from this kind of videos. और अगर आप इसे Instagram पर देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए. Till then, see you in the next chapter with a new topic. Take care. Bye-bye. Thank you.